Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक सिंगापुरियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है The Maid. ये फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है केल्विन टोंग ने. IMDb पर इसका रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 और 79% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है. कहानी के स्टार्टिंग में हम कुछ लड़कियों के फोटोज देखते हैं एक लिस्ट पर, जिसमें से एक लेडी एक लड़की को उसके बर्थ डेट के हिसाब से चूज कर लेती है. असल में ये वो लड़कियां हैं जो बाहर के कंट्रीज से सिंगापुर में आते हैं काम की तलाश में. ज्यादातर समय उन्हें यहाँ के घरों में मेड का काम मिलता है. अभी अभी जिस लड़की को चूज किया गया है उसका नाम है रोजा. वो सिर्फ 18 साल की है, फिलीपीन में रहती है और उसे भी बाकी लड़कियों की तरह एक सिंगापुरियन फैमिली ने चूज किया है. लाइफ में पहली बार वो अपने फैमिली को छोड़कर कहीं जा रही थी, वो भी सिंगापुर जैसे बड़े शहर में. तो नर्वस तो वो थी ही, मगर अपने नए परिवार से मिलकर उसका सारा डर गायब हो जाता है. मिस्टर एंड मिसेस टेओ काफी अच्छे, सिंपैथेटिक और चीयरफुल इंसान हैं. उनका एक अपना ओपेरा ग्रुप है, वही उनका इनकम सोर्स भी है. उनके पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, उनका घर भी काफी पुराना टूटा फूटा है, मगर फिर भी वो लोग रोजा को बहुत अच्छे से ट्रीट किया करते हैं. खुद जो खाते हैं रोजा को भी वही खिलाते हैं, उसके सेहत का भी ध्यान रखते हैं. ओवरऑल रोजा बहुत ही खुश है इस घर में. सिंगापुर में आने के बाद उसे मिस्टर एंड मिसेस टेओ से उनके कल्चर के बारे में भी पता चला है. उनके हिसाब से साल के इस 7th मंथ को हंगरी घोस्ट मंथ माना जाता है. इन दिनों पूरे एक महीने के लिए नरक का दरवाजा खुल जाता है. जितने भी अतृप्त आत्माएं हैं वो धरती पे आ जाते हैं और इंसानों के बीच भटकते रहते हैं, बिल्कुल इंसानों की ही तरह. कोई अपना बदला पूरा करता है तो कोई अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करता है. इन दिनों इंसानों और आत्माओं के बीच फर्क करना इम्पॉसिबल हो जाता है. तो इंसानों को उनके नाराजगी से बचने के लिए, उनको शांत रखने के लिए कई तरह के ऑफरिंग्स चढ़ाना पड़ता है, खाना पानी पैसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन समय अंधेरा होने के बाद वो लोग बाहर नहीं रहते. अकेले चलते समय कोई अगर पीछे बुलाए तो पीछे मुड़कर देखते तक नहीं. पहला दिन ऐसे ही बीत जाता है. नेक्स्ट डे मिस्टर एंड मिसेस टेओ घर में नहीं थे, रोजा को ही सब कुछ संभालना था. मगर जाने से पहले वो रोजा के लिए प्लेट भरकर खाना जरूर रख कर गए थे. सुबह उठकर रोजा नहा धोकर तैयार हो जाती है, खाना खाती है, सारे काम लिपटाती है और घर को एक्सप्लोर करने लग जाती है. पता नहीं क्यों इस खाली घर में उसे बहुत अजीब लग रहा था, जैसे और भी कोई हो. वो जब बाथरूम में थी दरवाजा अपने आप खुल जाता है. एक रूम में रोजा को लगता है कोई लड़की खड़ी है, लेकिन वो तो असल में एक स्टैचू है. फाइनली रोजा को क्लियरली सुनाई देती है किसी के फुटस्टेप्स जो घर से बाहर की तरफ जा रहे थे. उसे फॉलो करते हुए जैसे ही रोजा घर के बाहर निकलती है उसका कदम पड़ता है राख के ऊपर और उसे अपने सामने दिखता है एक लड़का. रोजा तो डर ही जाती है, मगर असल में ये आसून है, मिस्टर एंड मिसेस टेओ का एक लौता बेटा. वो देखने में तो काफी हट्टा कट्टा है, उम्र भी उसकी रोजा से ज्यादा ही है, मगर असल में वो एक मेंटली चैलेंज्ड पर्सन है. उसकी उम्र ही सिर्फ बड़ी है, नेचुरली वो एक भोला भाला बच्चा है. मिसेस टेओ का सपना था उनका बेटा भी बाकी लड़कों की तरह बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छा इंसान बनेगा, नौकरी करेगा, शादी करेगा, उसके भी बाल बच्चे होंगे, मगर इसमें से कुछ भी पूरा नहीं हो पाया. वो लोग अभी भी अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, मगर इस बात को लेकर भी वो लोग अभी भी अपसेट हैं. बहुत जल्द रोजा के साथ आसून की दोस्ती हो जाती है. एक दिन जब मिसेस टेओ रोजा को कॉस्ट्यूम पहनाकर फिटिंग्स कर रहे थे तो आसून उसे खूबसूरत कहता है और अपने माँ के सारे कॉस्मेटिक से उसे सजाने भी लगता है. ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं. एक दिन सुबह सुबह जब रोजा घर की सफाई कर रही थी, वो खिड़की से देखती है एक लड़की उस पर नजर रख रही है, मगर रोजा उसे देखते ही वो भाग जाती है. रोजा को घर के सामने बहुत सारा राख दिखता है तो वो झाड़ू लेकर उसे क्लीन करने जाती है, मगर तभी मिसेस टेओ उसे रोक लेती है क्योंकि ये ऑफरिंग्स वाला राख है, इसे छूना भी अपशगुन माना जाता है. मिसेस टेओ उस राख को वापस रख देती है और क्षमा भी मांग लेती है, मगर उन्हें तो पता ही नहीं रोजा ने ऑलरेडी ऐसे ही राख पर कदम रख चुकी है और शायद उसका बैड लक भी शुरू हो चुका है. उसे डरावना विजन आता है जहां उसे एक लड़की की आत्मा हॉन्ट करती है. उसी दिन से सिर्फ सपने में ही नहीं, हकीकत में भी रोजा को अपने आसपास किसी का साया नजर आने लगता है. उसे अपने बेड के नीचे कुछ पुराने ड्रेसेस मिलती हैं, जो पुरानी तो है मगर देखने में काफी सुंदर है, तो रोजा उन्हें पहन लेती है.
उसी रात वो एक सपना देखती है कि वो चिट्ठी पोस्ट करने जा रही है। मेल बॉक्स कहाँ पर है इसके बारे में उसे एक पोस्टमैन से पता चलता है। और जब वो सुबह जागती है, चिट्ठी पोस्ट करने जाती है, तो सच में ही एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर उसे मेल बॉक्स मिल जाता है। वो चिट्ठी पोस्ट करती है, उसे फिर से वही लड़की दिखती है जो उस पर नजर रख रही थी, और लौटते वक्त वही आत्मा उसे फिर से हॉन्ट भी करती है। उसके छूने से ही रोजा को कुछ विजन्स आते हैं जिनका मतलब वो समझ नहीं पाती। घर लौटने पर मिसेस टे उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसका ऐसे अनजान शहर में अकेले घूमना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऊपर से ये हंग्री घोस्ट मंथ चल रहा है, आगे से उसके सारे लेटर्स मिसेस टे ही पोस्ट करेगी। उस रात जब रोजा उनके साथ ओपेरा जा रही थी तो उनके घर के बिल्कुल सामने एक एक्सीडेंट होता है। मिसेस टे कहती है इस रास्ते पर ऐसे एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं। वो लोग स्टेज पर जा पहुंचते हैं, ओपेरा स्टार्ट होता है और रोजा सामने वाले एक खाली चेयर पे जाके बैठ जाती है। वो नोटिस करती है स्टेज पर जो औरत नाच रही थी वो उसे ही घूर रही थी अजीब से नजरों से। तभी उसे एहसास होता है उसके आसपास जो सारे चेयर पे बैठे हुए हैं वो असल में आत्मा है, कोई इंसान नहीं, जो उसे वहां से हटने के लिए कहते हैं। रोजा तो चिल्लाने लग जाती है। ठीक तभी मिस्टर टेओ आकर उसे संभाल लेते हैं। कहते हैं वो फ्रंट रो वाली चेयर्स हंग्री घोस्ट के लिए रिजर्व किया जाता है, रोजा वहां बैठ नहीं सकती। डर से रोजा की हालत खराब हो चुकी थी तो वो घर जाने लगती है अकेले। रास्ते पर उसे एक छोटा सा लड़का मिलता है जिसका बॉल स्टेज के नीचे घुस गया था। वो रोजा से अपना बॉल मांगता है तो रोजा भी उस बॉल को बाहर निकालने के लिए अंदर घुस जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस बॉल तक पहुंचती है उसे अपने सामने वो लड़का दिखता है लहूलुहान हालत में। उसके हाथ पैर चकनाचूर हो चुके थे, माथे से खून बह रहा था एंड क्लियरली वो मर चुका था। असल में ये वही लड़का है जिसका एक्सीडेंट इस बॉल के साथ खेलते हुए उनके घर के सामने हुआ था। रोजा भागकर घर के तरफ जाने लगती है। पूरे रास्ते पर उसे स्पिरिट्स दिखाई देते हैं, साथ में वो लड़की की आत्मा भी जिसके छूने से रोजा को विजन्स आते हैं। वो रोजा से उसे घर ले जाने के लिए कहती है। जब रोजा फाइनली घर पहुंचती है तब पूरे घर में अंधेरा हो जाता है और रोजा को वो सारे आत्माएं फिर से एक बार हॉन्ट करने लगती है, तो डर के मारे वो एक कोने में जाकर छुप जाती है। मिस्टर एंड मिसेस टियो उसे देखकर ही समझ चुके थे कि उसने जरूर किसी घोस्ट को ऑफेंड किया है, तो उन्हें और ज्यादा ऑफरिंग्स डालना होगा उन्हें शांत करने के लिए। अभी बस और कुछ ही दिन बाकी है इस महीने को खत्म होने में, तो तब तक रोजा को संभाल कर रहना होगा। अगर कोई स्पिरिट उसे हॉन्ट करे भी, रोजा को सिर्फ इतना कहना है लीव मी अलोन। एट द सेम टाइम रोजा को अपने घर से चिट्ठी मिलती है, उसका भाई बीमार है, उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा चाहिए। लेकिन रोजा को आए हुए बस कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी मिस्टर एंड मिसेस टियो उसे कुछ पैसे देते हैं घर भेजने के लिए। नेक्स्ट डे जब वो इस पैसों को पोस्ट करने जाती है वो देखती है उनके घर के सामने वाले ऑफरिंग्स में से आसून खा रहा है। उस बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, मगर रोजा को पता है तो वो उसे रोक लेती है। आसून को भूख लगी थी तो रोजा उसे लेकर रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगती है। रास्ते में उन्हें दो स्पिरिट्स नजर आते हैं जो उन्हें कुछ करती तो नहीं, मगर उन्हें देखने के चक्कर में उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। रेस्टोरेंट में भी टेबल को साफ करते वक्त वेटर सारा यूज्ड गंदा पेपर्स आसुन की तरफ ही फेंकता है। इससे आसुन अपसेट हो जाता है और कहीं गुम हो जाता है। बहुत मुश्किल से रोजा उसे ढूंढ पाती है। वैसे तो रोजा खुद भी काफी डरी हुई है, उसे हर जगह स्पिरिट्स दिखने लगे हैं, इवन घर में भी। वो पर्टिकुलरली एक लड़की उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। क्लोसेट में कपड़े को अरेंज करते वक्त उसे एक एनवलप मिलती है जिस पर किसी एस्थर का नाम लिखा हुआ था। तभी कोई उसके हाथ को खींच लेता है और इस बार उसे वो लड़की क्लियरली अपने सामने दिखाई देती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि उसी वक्त भागकर ऑफिस में जा पहुंचती है जहां से उसे ये नौकरी मिली थी, मगर वो लोग फिर से उसे समझा बुझाकर वापस इसी घर में भेज देते हैं। रात में सोने के वक्त उसे अपने बिस्तर पर एक मिरर मिलता है जिस पर भी स्तर का ही नाम लिखा हुआ था और शायद इसी स्तर की आत्मा उसे हॉन्ट कर रही है, मगर क्यों? इसका जवाब तो रोजा के पास नहीं है, लेकिन आजकल घर में कुछ ना कुछ हर रोज रोजा के साथ होने लगा है। कभी उसे किसी का साया नजर आता है, कभी किसी के बालों का गुच्छा मिलता है, तो कभी आसून उसे एस्थर कहकर बुलाता है। एक दिन शॉपिंग सेंटर में रोजा को वही लड़की दिखती है जो उसे छुप छुप कर देखा करती है। तब भी वो लड़की उसे देखकर भागी रही थी, लेकिन रोजा उसे रोक लेती है। उससे पूछती है वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है। तब वो लड़की कहती है उसका नाम है वाती और वो एस्थर की दोस्त थी। रोजा बिल्कुल एस्थर की तरह ही दिखती है, एस्थर के ही कपड़े पहनती है, इसीलिए उसे लगा कि वो एस्थर है। असल में एस्थर कुछ साल पहले एक दिन अचानक से ही गायब हो गई।
उसे लगा एस्थर लौट आई है। वो लड़की इससे ज्यादा कुछ और नहीं कहना चाहती थी, तो रोजा मिसेस टेओ से जाकर पूछती है और वो कहती है 2 साल पहले एस्थर इसी घर में काम करती थी। बिल्कुल रोजा की तरह बहुत सुंदर, सुशील और हार्ड वर्किंग लड़की थी वो। मिस्टर एंड मिसेस टेओ तो उसे अपनी बेटी की तरह ही रखते थे, जैसे अभी रोजा रह रही है। आसुन भी उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन एक दिन वो ऐसे ही अचानक कहीं गायब हो गई। पुलिस को लगा वो किसी आदमी के साथ भाग गई होगी, ऐसा होता ही रहता है यहाँ पर, तो ये केस भी बंद हो गया। रोजा यही सारी बातें जाकर वाती से शेयर करती है, मगर वाती बिलीव नहीं करती। रोजा के पैसों से उसका घर चलता था, वो इतनी इरेस्पॉन्सिबल नहीं थी कि उन्हें भुलाकर भाग जाए, और उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, बात जरूर कुछ और है। उसी दिन एस्थर को क्लोजेट में से इस फैमिली की एक तस्वीर मिलती है, जिसमें एक लड़की का फेस जला हुआ था और खाली घर में ऊपर के फ्लोर से जोर जोर से आवाज आने लगती है। कैलेंडर का पन्ना अपने आप 20 तारीख पे जाकर रुकता है। रोजा उसी वक्त वाती से जाकर पूछती है एस्थर कब गायब हुई थी। उसे पता चलता है लास्ट ईयर इसी समय, शायद 20 तारीख ही है। वो लोग जब बात कर ही रहे थे, ठीक उसी समय उनके बिल्कुल पास से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें एक कॉफिन था। उसका साया वाती पर पड़ते ही वो पजेस्ट हो जाती है और एक बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान ले लेती है। रोजा तो बिल्कुल घबरा जाती है, तो मिस्टर टियो उसे समझाते हैं इस 7th मंथ के दौरान कॉफिन का साया किसी पर पड़ने का अंजाम यही होता है। रोजा लाइफ में पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देखी थी। ऊपर से घर में वो आत्मा लगातार उसे फॉलो कर रही थी। रोजा को पर्टिकुलर एक कमरे से आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे ये लोग हमेशा लॉक्ड रखते हैं। इस बार रोजा खुद को और संभाल नहीं पाती, वो मिस्टर टेओ के पॉकेट में से चाबी निकालकर उस कमरे में घुस जाती है। देखती है ये आवाज एक कंटेनर में से आ रही है। रोजा एक सीजर लेती है और उसके कवर को काट देती है। अंदर जो था उससे उसका होश उठ जाता है। अंदर एक लाश थी, वो भी जली हुई। ये एस्थर की लाश थी। रोजा को अपने पीछे एस्थर की आत्मा भी दिखती है, जो उसे पास्ट में ले जाती है। उसे दिखाती है कैसे मिस्टर एंड मिसेस टेओ ने उसे पहले दम घोटकर बेहोश कर दिया और उसके बाद जिंदा रहते ही आग में जलाकर मार डाला। इस घर में रोजा भी बिल्कुल ही सेफ नहीं थी। ये लोग तो बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि रोजा घर वापस जाए, और इसीलिए उसके एक भी लेटर्स भी लोगों ने पोस्ट नहीं किया था। इसी कमरे में उसे अपने वो सारे लेटर्स मिल जाते हैं जो उसने मिसेस टियो को दी थी पोस्ट करने के लिए। एस्थर बिल्कुल शुरू से ही रोजा से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। वो उसे हॉन्ट नहीं कर रही थी, ना उसे डरा रही थी। वो उसके सारे कपड़े, उसके वो एनवेलप और उसके वो मिरर देकर उसे यही समझाना चाहती थी कि कुछ राज अभी भी इस घर में है जो उसे रिवील करना है। फाइनली आज वो सच्चाई बाहर आ ही चुकी है, लेकिन एस्थर का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। वो यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक वो इस फैमिली को खत्म ना कर दे। रोजा समझ चुकी थी उनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्या पता वो लोग उसे भी मार डाले बिल्कुल एस्थर की तरह। रोजा अपनी जान बचाने के लिए भागती है। मेल बॉक्स में वो सारे लेटर्स पोस्ट करती है, मगर उसके बाद ही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। सेंस लौटने पर वो अपने आप को फिर से उसी घर में पाती है। इन लोगों ने उसके हाथ पैर बांध के रखे थे। मिसेस टियो आती है उसे खाना खिलाने और कहती है एस्थर को मारना जरूरी हो पड़ी थी। आसुन ने अनजाने में उसका रेप कर दिया था, उसे पता ही नहीं लगा उसने क्या कर दिया, मगर एस्थर उसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेन करने की जिद कर बैठी थी। मिस्टर एंड मिसेस टियो ने उसे बहुत समझाए, वो 1 साल से इस घर में है, फैमिली मेंबर जैसा बन चुकी है, ऐसी बात को घर के अंदर रखना ही ठीक होगा, मगर एस्थर नहीं मानी, तो मिस्टर टेओ ने भी उसे मार डाला। उसके लाश को कंटेनर में डाल के कमरे में लॉक कर दिया। अभी रोजा को भी सब कुछ पता चल चुका है, तो ये लोग उसे भी जाने नहीं दे सकते, और वैसे भी उसके लिए कुछ और ही प्लानिंग किया है इन लोगों ने। रोजा बहुत कोशिश करती है अपने आप को आजाद करने के लिए, फाइनली वो कामयाब हो भी जाती है, लेकिन आसुन उसे रोक लेता है। अपने आप को बचाने के लिए रोजा उसे चाकू से स्टैब कर देती है, लेकिन वो मरता ही नहीं। इनफैक्ट उसे कोई जख्म भी नहीं आता, कैसे आएगा, उसकी मौत तो ऑलरेडी 1 साल पहले ही हो चुकी है। इस तरह मरने के बाद उसने भी सुसाइड कर लिया था। ये आसुन की आत्मा है जो इतने दिनों से उसे दिखाई दे रही है, इसीलिए ही तो वो वेटर उसे देख नहीं पाया, और वो साइकिल वो तो ऑलमोस्ट उसके ऊपर से ही गुजर गया, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ रोजा ही देख पा रही थी और उसके फैमिली, क्योंकि रोजा ने उसके राख पर कदम रखी थी। आसुन एस्थर से प्यार करता था और उसके गम में ही उसने अपनी जान ली थी, तब से वो ऐसे ही भटक रहा है। इन लोगों ने इसीलिए रोजा को चूज किया है क्योंकि वो काफी हद तक एस्थर से सिमिलर है,
इवन आसून तो उसे एस्थर ही समझ चुका था। उसे लगा एस्थर वापस आ गई है, वो फिर से खुश हो चुका था और उसके पेरेंट्स उसके इसी खुशी को बरकरार रखना चाहते हैं, रोजा को उसके पास रखना चाहते हैं, वो उन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। इसीलिए ही तो इतने दिनों से मिसेस टियो रोजा के लिए वेडिंग ड्रेस प्रिपेयर कर रही है। हाँ, ये उनके कल्चर में एक बिलीफ है कि मरने के बाद भी लोग शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रोजा को भी मरना पड़ेगा और मरने से पहले उसे इस शादी को कबूल भी करना होगा। उनके पास ज्यादा समय नहीं है, आज ही 7th month का आखिरी दिन है, आज ही नरक का दरवाजा 1 साल के लिए फिर से बंद हो जाएगा, तो उन्हें ये शादी आज ही देनी होगी। वो लोग रोजा के हाथ पैर बांध के उसके शरीर को अगरबत्ती से जलाने लगते हैं सिर्फ उसके मुंह से हाँ सुनने के लिए, मगर रोजा नहीं मानती। फाइनली वो लोग और एक प्लान अपनाते हैं। वो लोग रोजा को उसके घर से एक चिट्ठी दिखाते हैं जिसमें लिखा था उसके भाई का कंडीशन खराब है, अगर रोजा ये शादी कर ले तो उसके सैक्रिफाइस के बदले मिस्टर एंड मिसेस टियो उसके भाई की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार है। एट लास्ट इस बात पे रोजा राजी हो जाती है। ये लोग आसून को भी बुलाते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब उसके सामने रोजा को रस्सी से लटकाया जाता है तब उसे याद आती है कैसे एस्थर की मौत हुई थी। वो चिल्लाने लगता है, अपने पिता को कोसने लगता है कि क्यों उसने एस्थर को मार डाला। इसी बीच हड़बड़ी में मिस्टर टेव गिर जाते हैं आग के ऊपर और उन पर तेल भी गिर जाता है। इसी आग में जलकर वहीं पर उनकी मौत हो जाती है, बिल्कुल एस्थर की तरह। उधर एस्थर की आत्मा रोजा के रस्सी को काट कर आग में जलाकर उसे आजाद कर देती है, इस कंडीशन पे कि वो भी उसे आजाद करेगी। रोजा उसी वक्त घर से भाग निकलती है। मिसेस टियो भी उसका पीछा करती है हाथ में चाकू लिए, मगर रोजा तक पहुंचने से पहले उनके घर के बिल्कुल सामने एक गाड़ी उसे कुचल कर भाग जाती है। मिसेस टियो की मौत हो जाती है और साथ में एस्थर की वो अधूरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, तो उसे आजादी मिल जाती है। एंडिंग सीन में हम रोजा को घर लौटते हुए देखते हैं एस्थर के अस्थियों के साथ और टियो फैमिली को देखते हैं उसके पीछे ब्लर होते हुए। 7th month का आखिरी दिन खत्म होने वाला है और उनके नरक में जाने का समय जो आ चुका है। गाइस, पर्सनली मुझे ये कहानी बेहद पसंद आई है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।